हो जाता है। और कभी कभी जो टीचर्स का स्टाफ होता है जिनकी क्लास में ड्यूटी लगी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं, ठीक है, आपको ही डांटते हैं, और आप मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील करते हो कि ये भरना तो आता नहीं है, पेपर क्या निकलेगा, ऐसे तक बोल देते हैं कोई कोई। तो मतलब ये अपना अपना ह्यूमन का रहता है, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा रूड होते हैं। तो आप बार तो सिलेक्शन लेना ही है, घर वाले क्या बोलेंगे, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, उनका ध्यान हट जाता है और फिर कुछ सोचते हैं और कुछ भर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। तो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपका पूरा जो प्री का सिलेक्शन है ना, इसी वीडियो पे डिपेंडेंट है, इसी टॉपिक पे बिल्कुल टिका हुआ है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है ना, तो आप तो प्री से ही बाहर हो जाते हो, फिर मेंस ना ही आप मेंस दे पाओगे और ना ही इंटरव्यू दे पाओगे। तो ये आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है, आपने रिक्वेस्ट की थी और मुझे भी लगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने में तो ध्यान देते हैं, लेकिन मेन जिससे रिजल्ट आना है, ठीक है, उन्हीं चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि जिस पे पूरा एकदम डिपेंड करता है कि रिजल्ट आना है। तो किन गलती, आज का टॉपिक है OMR शीट कैसे भरे। ये लगता तो छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा है, पता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कभी कभी उनसे गलती हो जाती है जल्दबाजी में, और वहां अगर आपने OMR शीट में कोई गलती कर दी ना, तो बस आपका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ता है ना कि 100 क्वेश्चन करने से पहले ही आपका रिजल्ट वहीं डिक्लेयर हो जाता है एग्जाम हॉल में कि आपका यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्योंकि एक तो आप तुरंत पैनिक हो जाते हो, जैसे ही आपने OMR शीट में कोई गलती की आप पैनिक हो जाते हो। उसके बाद आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कि बहुत जो स्टाफ है पोलाइट है, और मतलब तो ही वो लोग मतलब चेंज करते हैं। ऐसा मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने छोटी सी उससे एक गलती हो गई थी, तो उसने रिक्वेस्ट की थी तो उसकी चेंज हो गई थी ना। तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपकी किस्मत भी हो, आपने कन्विंस भी कर लिया है, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है कि वो लोग माने। आपका सिलेक्शन वगैरह सब उसी में टिका रहता है। तो आप भूल के भी OMR शीट में मतलब कुछ बातों का तो ध्यान रखिए, बिल्कुल भी गलती मत करिए। आपको भी पता है 2 घंटे का टाइम होता है, और जैसे क्वेश्चंस का नेचर होता है उस हिसाब से पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, पता है। 1.5 घंटे में आधे घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो लास्ट तक मतलब 2 घंटे पूरे लेते हैं, नहीं तो जनरली लोग कर ही लेते हैं 1.5 घंटे में पेपर। उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने कोई गलती की, इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इतने पैनिक हो जाते हो कि आप फिर एग्जाम देते टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन तुरंत चला जाता है, और आप 10 गलतियां और करते हो, और फिर आपकी तो लाइन लग जाती है क्वेश्चन गलत होने की। टफ तो सही होने से रहा, इजी क्वेश्चन भी आप क्योंकि आपका दिमाग तो वही है कि आपकी आंसर शीट OMR शीट चेक होगी या नहीं होगी, कहीं आप डिसक्वालीफाई तो नहीं हो जाओगे, तो आप पूरा 100% दे ही नहीं पाते हो, ठीक है। आपको दिखाती हूँ कि आपको कहाँ क्या क्या भरना होता है और आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यार आप 15 मिनट 20 मिनट दे दो भरने के लिए आराम से, वो लोग पहले ही 10 मिनट दे देते हैं, 10 मिनट वो और 10 मिनट पेपर मिल गया तो भी एकदम आराम आराम से भरो, क्योंकि यार यही यही चेक होगी कंप्यूटर में ना। तो पेपर तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन OMR शीट का पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और जैसे बहुत ही जैसे आप बबल्स भरते हो उसमें, ब्लैक ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है उसमें। बबल भरते टाइम आपको ज्यादा वैसे प्रेशर से नहीं भरना है कि आप उसमें होल ही कर दो बिल्कुल, ठीक है, एकदम आराम आराम से। पहले से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो ऐसी आती है तो इनका आराम से प्रैक्टिस कर लो। बुकलेट भी आती है OMR शीट की, तो अच्छे से कई बार एग्जाम दिया है तो आपको सब पता है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम है तो कुछ चीजों का ध्यान रख लेना ताकि एक बार में ही आपका एग्जाम निकल जाए। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है, फिर बाद में पैनिक हो जाता है। और कभी कभी जो टीचर्स का स्टाफ होता है जिनकी क्लास में ड्यूटी लगी रहती है ना, वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं, ठीक है, आपको ही डांटते हैं, और आप मतलब थोड़ा सा अजीब सा फील करते हो कि ऐसे बोल देते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ये भरना तो आता नहीं है, पेपर क्या निकलेगा, ऐसे तक बोल देते हैं कोई कोई। तो मतलब ये अपना अपना ह्यूमन का रहता है, तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा रूड होते हैं। तो आपको आप
इस टाइप की तो कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन एक गलत हो जाए फिर भी चलेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन ही नहीं चेक होंगे, ये तो बहुत बड़ी गलती है ना। तो यही सर्वो सर्वा है सब कुछ है प्री के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से आराम से टाइम लेके भरना है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। पेपर आराम से हो जाएगा और बाद में टाइम बचता भी है। आपको भी पता है 70% क्वेश्चन इजी आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं, 25-30 क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट रहते हैं और थोड़ा अलग से रहते हैं, तो यार हो जाता है। आप और टेस्ट में प्रैक्टिस कर लो अभी बहुत ज्यादा, और OMR शीट भरने की तो कर ही लेना, बबल भरने की। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ठीक है, अगर रूम पे भी दे रहे हो तो ऐसे ले लेना और इन बबल्स में भरने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ आप पास से कि कहाँ क्या भरना होता है और कैसे भरना होता है। आइए, ये आपको OMR शीट दिख रही है, तो ऐसी रहती है, ये MGICS की है। तो OMR शीट तो किसी की भी ले सकते हो। तो देखो इसमें पहले ये जो फर्स्ट कॉलम रहता है ना, स्टार्टिंग आपका नेम लिखना होता है, ठीक है। आप इसमें अपना नेम लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखना होता है, और जैसे कि आप नेम लिखोगे फिर एक छोड़ोगे, एक जो है बॉक्स, और उसके बाद सर नेम लिख दोगे। फिर इसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होता है ना, तो कई लोग पता नहीं क्या क्या रोल नंबर भर देते हैं, कई लोग डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा करके बैठ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। मतलब उन्होंने इतनी तैयारी की होती है, इतने ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन बस यहाँ छोटी सी गलती कर देते हैं, मतलब उनका थोड़ा भी ध्यान, मतलब कई इतने डरे रहते हैं कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा, पेपर मिला नहीं है फिर भी सोचते हैं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, घर वाले क्या बोलेंगे, दुनिया भर की ओवर थिंकिंग करते रहते हैं ना, उनका ध्यान हट जाता है और फिर कुछ सोचते हैं और कुछ भर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर है तो आपको 10 मिनट पहले मिलेगी, तो इसको अभी आपको छोड़ देना है, क्योंकि जब पेपर मिल जाएगा आपको उसके बाद उसमें भरना है आपको, तो वो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा होगा तो वही भरना है, ठीक है। और इसके बाद फिर डेट ऑफ एग्जाम भरना है आपको यहाँ पे। ये जो टेस्ट नंबर है ये नहीं, ये तो कोचिंग ने अपना ही दे दिया है, ये जो डेट ऑफ एग्जाम है ना ये वाला कॉलम यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको भरना रहता है, ओके। तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम भर दोगे आप, उसके बाद फिर आप देखो नॉर्मल ये आपका रोल नंबर है, एकदम ध्यान ध्यान से ना बहुत अच्छे से यहाँ आपको जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 वो डालना है, ये 6 डिजिट के होते हैं, और फिर इसके नीचे जो भी डिजिट ऊपर आप डालोगे उसके बबल्स यहाँ पे भरने हैं बहुत ध्यान से। अब इसमें आपको भरना है कि कौन सा पेपर है, पेपर फर्स्ट या सेकंड, जो भी है यहाँ पर करोगे और उसी का बबल यहाँ पर करोगे। आपको सेट कौन सा मिला है, A B C D जो भी मिला है, मान लो आपको सी सेट मिला है ना, तो एक तो यहाँ सी में कर दोगे आप ऐसे, और यहाँ सी लिख भी दोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये 100, उसके बाद सीधे आपको, और हाँ एक यहाँ भी है कि एक कॉलम और होता है उसमें, ये लिखा रहता है कि दो कॉलम रहते हैं कि आप स्टेट सर्विस बस दे रहे हो या फॉरेस्ट का भी दे रहे हो, तो अगर आप दोनों दे रहे हो तो दोनों बबल आपको भरना होता है। ये ध्यान से कि कभी कभी किसी को फॉरेस्ट देना होता है बट वो एक ही बबल भर देते हैं, या फिर उनको फॉरेस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं है फिर भी फॉरेस्ट का भर देते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा सा। और उसके बाद आपके ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये 20 20 20 का सेट है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से यहाँ आपको भरना होता है कि ये क्वेश्चन नंबर ए में आपको क्या लगाना है, A B C D जो भी आंसर हो उसको अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो ऐसी कुछ रहती है, यहाँ इन्विजिलेटर के की सील लगती है, यहाँ आपका सिग्नेचर होता है, तो इस तरह आपको चीजों का ध्यान रखना है, मतलब कुछ इसी टाइप की होती है। तो आप ऐसे आराम से ध्यान से बहुत ध्यान से भरना है इसको, कोई भी जल्दबाजी में मत भरना आप, ठीक है। अब आगे मैं और बताती हूँ आपको, जैसे कि आपने OMR शीट फिल कर लिया है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होती हैं, आपका रोल नंबर, आपका नाम,
आपका सेट सब कुछ डाल लिया, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप आपने एक दो पेज के किए क्वेश्चन, ठीक है, फिर उनको आप अगर श्योर हो पूरी तरीके से तो आप OMR शीट में उसके बबल फिल कर लेना, क्योंकि बाद में ना टाइम नहीं मिलता और जल्दबाजी में आप आगे पीछे जैसे ही बबल करते हो तो आपका पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है, और ये भी बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो इकट्ठा आप बिल्कुल भी मत करना कि पूरा पेपर करने के बाद बबल कर रहे हो, एक दो एक तरफ के पूरे कर लिए अगर उसमें श्योर हो, जिनमें उनके आप बबल फिल कर दो अच्छे से, ठीक है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर थोड़ा सा शोर आ रहा हो तो उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि फिर मैं तेज आवाज में बोल रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे ही दे, ठीक है, जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।